गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निजागोर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर को रीड करेंगे। यह एक स्टोरी है मदर टाइगर एंड उसके बेबी टाइगर की। चलिए इसको पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। लिटिल टाइगर मीन्स होता है छोटा बाघ एंड बिग टाइगर बड़ा बाघ। बच्चों, हम टाइगर को बाघ बोलते हैं जिसमें ये स्ट्रिप होती है, ब्लैक कलर की लाइनिंग होती है, तो ये हल्का येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसको हम टाइगर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बाघ बोलते हैं। और इसी तरह लॉयन होता है, तो लॉयन को हम हिंदी में शेर बोलते हैं, जिसके आगे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और उसका शरीर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, उस पर स्ट्रिप नहीं होती और वो हैवी होता है इससे ज़्यादा, ठीक है। तो वो लॉयन और टाइगर दोनों अलग अलग होते हैं, तो हम टाइगर को बाघ बोलते हैं हिंदी में और लॉयन को शेर बोलते हैं। चलिए हम ये कहानी पढ़ते हैं। देयर वाज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी जंगल। व्हेन द स्काई वाज डार्क द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिक। द टाइगर कब स्टेज क्लोज बाय हिज मदर साइड। देयर वाज ए मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। एक बार जो मदर टाइगर और उसका बेबी टाइगर, स्मॉल टाइगर कब मीन्स होता है जो मदर टाइगर का बेबी होता है छोटा टाइगर, उसको कब बोलते हैं। कब को हिंदी में हम शावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शावक, मतलब बाघ का बच्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? शावक। तो एक बार जो मदर टाइगर, जो माँ बाघ थी और उसका बेबी टाइगर था, दे लिव्ड नियर अ रिवर इन अ सैडी जंगल। वे एक पास की नदी में, एक छायादार जंगल में रहते थे। सेडी जंगल मीन्स होता है छायादार। तो वो कहाँ रहते थे? पास एक नदी में, नदी के पास एक छायादार जंगल में रहते थे। व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब आसमान डार्क हो जाता था। डार्क मीन्स अंधेरा, जैसे स्काई डार्क होना मतलब होता है कि अंधेरा हो जाता था। तब द मदर टाइगर हंटेड फॉर डियर एंड पिग, जब जो मम्मी टाइगर थी, जो माँ बाघ थी ना, जो वो हंटेड करना मतलब होता है शिकार करना, शिकार करती थी किसका? डियर एंड पिक का, जो जंगली जानवर होते हैं जंगल में। डियर मींस हिरण, पिक मींस सुअर, तो इनका वो शिकार करती थी। द टाइगर कब स्टेज क्लोज बाय हिज मदर साइड, जो टाइगर कब था वो अपनी माता के पास में ही रहता था, उनके क्लोज रहता था। बहन द लंगूर मंकी साहर, जो लंगूर मंकी होते हैं, मंकी एक सिंपल होते हैं और एक लंगूर होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, जिनका मुंह ब्लैक होता है और हल्के वाइट होते हैं। तो व्हेन द लंगूर मंकी, जो लंगूर मंकी होते हैं वो कहाँ होते हैं? पेड़ों पे होते हैं। सहार ये उनको देख लेते हैं कि हाँ ये शिकार करने टाइगर आ रहे हैं। तो ही कॉल्ड आ लाउड, बाय जोर से चिल्लाते, लाउड मीन्स होता है चिल्लाना जोर से। हर्ष कॉल, हर्ष मीन्स होता है कि जोर से चिल्लाना, जो बंदर अपनी आवाज़ निकालते हैं ना उसको बोलते हैं हर्ष कॉल, मतलब जोर से निकालना, चिल्लाना, चिंघाड़ना, हर्ष कॉल। वॉच आउट, सावधान हो जाओ, ए टाइगर इज कमिंग, टाइगर आ रहे हैं। द सांबर डियर ब्लूड, जो सांबर डियर होते हैं वो ब्लूड करते हैं, वो भी चिल्लाते हैं, चिघाड़ते हैं। द काकर डियर बार्क, जो काकर डियर होते हैं वो बार्क करते हैं, वो भौंकते हैं। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे, और कुछ देर बाद ये गेम क्या हो जाता है? गॉट अवे, मतलब ख़त्म हो जाता है। सी हंटेड देन फॉर जंगल, मतलब जैसे एक गेम ही समझो इसको, कि जैसे कोई शेर शिकार करने आ रहा है, बाघ शिकार करने आ रहा है, तो जो जंगल के और एनिमल्स होते हैं वो एक अपनी अपनी आवाज़ों में चिल्लाने लगते हैं, ताकि मतलब वो सावधान हो जाए कि कोई हमारा शिकार करने आ रहा है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये कुछ पलों का ये गेम रहता है, तो वो ख़त्म हो जाता है जब वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और ये बाघ शेर शिकार नहीं कर पाते हैं। सी हंटेड देन फॉर जंगल फॉल फॉर फेसेंट एंड फॉर फ्रॉग और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, जो मदर बाघ थी वो जब उनका शिकार नहीं कर पाती थी, तो वो देन फॉर जंगल फॉल, फॉल मीन्स होते हैं पक्षी, फॉर फेसेंट मतलब होते तीतर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं छोटे छोटे, एंड फॉर फ्रॉग मेंढक, तो वो क्या करती फिर छोटे जानवरों का शिकार करती थी, और वेंट टू द रिवर फॉर फिश, जो फिर जो नदी में रहती थी ना उनका शिकार उनको पकड़ती थी।
जब जब बड़े जानवर भाग जाते थे तो उनको कुछ तो चाहिए, तो वो छोटे जानवरों का, छोटे पशु पक्षियों का शिकार करती थी। बट सी डिड नॉट हंट एवरी नाइट, पर वह रोज शिकार करती थी। इफ द मून वाज ब्राइट द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डाउन। इफ द मून वाज ब्राइट, जब चंद्रमा क्या होता था, चमकदार होता था, तो द मदर टाइगर ले डाउन, तो मदर टाइगर क्या करती थी, लेट जाती थी, क्योंकि जब चंद्रमा ब्राइट होता है, चमकता है, तो उसमें उजाले में सब दिखता है, जैसे किसी भी एनिमल्स वगैरह को दिख जाता है कि हाँ हमारा शिकार होने वाला है, तो वो भाग जाते हैं। तो मदर टाइगर जो थी हमेशा अंधेरे में शिकार करती थी, ताकि चुपके से वो शिकार कर ले और किसी को पता नहीं चले, पर उजाले में क्या सब भाग जाते थे, तो वो नहीं कर पाती थी, वो लेट जाती थी। वेटेड फॉर द डॉन, तो वेट करती थी वो किसका, सुबह होने का। डॉन मतलब होता है कि जो सुबह की जो रोशनी निकलती है ना, हल्का हल्का उजाला होता है, जो सुबह की शुरुआत ही होती है, उसको डॉन बोलते हैं। तो सुबह होने का इंतजार करती थी। सी ट्विस्ट द टिप ऑफ हर टेल, वह अपनी टेल को कैसे, ट्विस्ट मतलब होता है एक एंठन और एक सिकुड़ के जो बैठते ना टाइगर, आपने देखा होगा उनकी पूँछ ऐसे सिकुड़ जाती है अपने में, वैसे वो अपनी टेल को करके बैठी थी। एंड द टाइगर कब पाउंस्ड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन, जो उसका टाइगर था, बेबी टाइगर था, जो कब था, जो सावक था, वो उसकी पूँछ पे क्या झपटा मार रहा था। पाउंस्ड मीन्स होता है झपटना, तो वो झपट रहा था, जैसे मम्मा के साथ बच्चे कैसे खेलते हैं, वो अपनी मम्मा के साथ खेल रहा था अगेन एंड अगेन, बार बार उसकी टेल के साथ वो खेल रहा था। ये देखिए, ये उसकी मम्मा टाइगर बैठी, ये उसकी पूँछ है, और ये उसको बार बार झपट रहा है, उसके साथ खेल रहा है। If he went too far away, the mother tiger called him with a low cute grunt. The tiger cub came back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at night. अगर if he went too far away, यदि वह बहुत दूर चला जाता है, जैसे कोई जो सावक था ना, बाघ का बच्चा जो दूर चला जाता, तो the mother tiger called, mother tiger उसको क्या बुलाती, him with a low, धीमी आवाज़ में, cute grunt, और धीमी आवाज़ में, और ग्रंट मीन्स होता है जैसे घुर घुर की आवाज़ में, और जैसे एक माँ के माइंड में जो परेशानी झलकती है ना, तो वो आवाज़ करके वो आराम से उसके अपने बच्चे को बुलाती, कहीं ये दूर ना चला जाए। ग्रंट मीन्स होता है घुर घुर करना, मतलब घुर घुर की आवाज़। तो द टाइगर कब कम बैक, वो जो टाइगर कब था वो वापस आ जाता था। बट ही डिड नॉट लाइक टू स्टे नियर हिज मदर इन द जंगल एट नाइट, पर जो टाइगर कब था उसको अपनी मम्मी के साथ रात में जंगल में रहना पसंद नहीं था। वो सोचता कि मैं भी काश अकेला रहूं, जंगल में इधर उधर भागूं, मैं भी शिकार करूं, तो वो उसकी मामा उसको अपने पास रखती थी, पर उसको ये सब पसंद नहीं था। वन नाइट द मदर टाइगर वाज टायर्ड एंड क्लोज्ड हर आइज, एक रात उसकी मम्मा जो थी वो टायर्ड थी, मतलब थक गई थी, एंड क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आँखें बंद करके वो थोड़ी देर सो गई होगी। द टाइगर कब सा अ टिनी फ्रॉग, तो टाइगर कब ने क्या देखा, एक टिनी फ्रॉग, टिनी मीन्स होता छोटा, बहुत छोटा फ्रॉग मेंढक देखा, हॉपिंग अलोंग द ग्राउंड, वो हॉप कर रहा था, मतलब फुदक रहा था, कूद रहा था, मेंढक कैसे कूदते हैं ना, तो वो कूद रहा था अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में अकेला, मैदान में अकेला कूद रहा था। द टाइगर कब पाउंस, टाइगर कब ने उसके ऊपर झपटा, पाउंस मीन्स होता झपटना, बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, पर जैसे उसने झपटा मारा तो जो टाइगर कब था वो दूर हो गया। जैसे किसी चीज़ के ऊपर झपटते तो वो एकदम दूर नहीं हो जाती, इसी तरह वो जो फ्रॉग था वो दूर हो गया। बट द फ्रॉग हॉप्ड अवे, परंतु वह कूद रहा था बहुत दूर। ही चेस्ट द फ्रॉग एंड कैच इट, फिर जो जो था ना कब, तो उसने क्या किया, उसका पीछा किया, चेस्ट करना मतलब पीछा करना, किसका, फ्रॉग का पीछा किया और उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया। एंड टर्न टू सो, फिर उसने जो सावक था ना, जो कब था, तो उसने जब मुड़ के देखा, टर्न मीन्स होता है मुड़ के देखना, जो टाइगर कब था उसने मुड़ के देखा, वो क्या हुआ, उसको मेंढक को पकड़ने के लिए इसके ऊपर झपटा, और मेंढक दूर होती चली गई, वो उसके पीछे फिर भागा, वो फिर दूर हो गई, फिर एक टाइम उसने उसको पकड़ लिया। और अब उसने जब मुड़ के देखा, एंड टर्न टू सो, जब उसने मुड़ कर देखा हिज मदर, उसकी मम्मा को, बट सी वाज नॉट इन साइट, पर वह उसके साइट में, उसके पास नहीं थी। इंस्टेंट ही सा आ टाइगर बिगर देन हिज मदर नियर हिम इन द जंगल।
इंस्टेंट का मतलब होता है बच्चों कोई व्यक्ति या कोई स्थान, जैसे इसका मतलब तो ये होता है, या उसकी, जैसे हम यहाँ पर इसका यूज ये करेंगे हम उसकी मम्मी के जगह पर, मतलब वस्तु के स्थान पर, किसी व्यक्ति के स्थान पर। तो जब उसने पलट के देखा तो उसकी मम्मी तो नहीं थी, पर उनकी जगह पर ही सा अ टाइगर, एक टाइगर देखा उसने, बड़ा टाइगर, बिगर देन हिज मदर, उसकी मम्मी की जगह पर उसने एक बड़ा टाइगर देखा। नियर हिम द जंगल, जंगल के पास, द टाइगर्स ग्रीन आइज, उसकी टाइगर की आइज कैसी थी, ग्रीन थी, कैसी थी, ग्रीन थी, ग्लिस्टेंड हैज ग्लिस्टन एज ही वॉच्ड द टाइगर, कब, ग्लिस्टन मीन्स होता है चमकना, उसकी जो आइज थी वो कैसी थी, हरी थी और वो बहुत चमक रही थी। ही वॉच्ड द टाइगर कब, वो टाइगर कब को देख रहा था, जो बिगर टाइगर था ना, वो छोटे टाइगर कब को देख रहा था चमकीली हुई हरी आंखों से। द टाइगर कब बाज फ्राइटेंड, जो टाइगर कब था वो फ्राइटेंड मीन्स होता डरा, तो वो डर गया, उसको देखकर डरा हुआ सा था। ही कुड नॉट हाइड ऑन रन, भय ना तो छुप पा रहा था, हाइड मीन्स छुपना, और ना दौड़ पा रहा था। ही लेट द फ्रॉग हॉप अवे, उसने क्या किया, उसको जो मेंढक था ना उसके, उसने क्या किया, मेंढक को छोड़ दिया उछलने और कूदने के लिए उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो डर गया था, तब मेंढक को कैसे पकड़ता, उसके हाथ से मेंढक छूट गया। द टाइगर क्रैफ्ट अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब, अब जो टाइगर था ना, द टाइगर क्रैफ्ट मीन्स सरकना, तो जो टाइगर था ना, बिग टाइगर, वो सरक कर टाइगर कब के पास आ गया, बहुत करीब आ गया। बट अ रोअर फिल्ड द जंगल, परंतु अब किसकी कैसी आवाज आई, दहाड़ने की आवाज आई द जंगल, द रोअर ऑफ द मदर टाइगर, सी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे, द मदर टाइगर लाइक टू रोअर अ लॉट, बिग टाइगर रोअर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट सी वॉज देयर, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फॉर फॉर अवे, ठीक है, बट अ रोअर फिल्ड द जंगल, पर जब वो मदर टाइगर आई ना तो उसने रोअर किया, मतलब दहाड़ा, तो उससे पूरा जंगल, उसकी दहाड़ से फिल्ड द जंगल, जंगल भर गया। द रोअर ऑफ द मदर टाइगर, वो कौन दहाड़ रही थी, मदर टाइगर, सी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वॉन्ट अवे, उसने फिर उसका फेस किया, उसका सामना किया बिग टाइगर का, मदर टाइगर ने, द अदर टाइगर एंड ही वॉन्ट अवे, और वह वहाँ से चला गया। द मदर टाइगर लाइक टू रोअर, जो मदर टाइगर थी उसको दहाड़ना अच्छा लगता था, ए लॉर्ड मतलब बहुत जोर से, बिग टाइगर रोअर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, एक बड़े टाइगर जैसे दहाड़ना उसको बहुत अच्छा लगता था मदर टाइगर को, टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स, और जंतुओं को बताने के लिए कि वह जंगल में है, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फॉर अवे, ताकि जंगल में जो सब जानवर है बहुत बहुत दूर रहें और दूर रहें उससे, इसलिए वो दहाड़ती थी, ठीक है। द टाइगर कब आल्सो लाइक्ड टू रोअर, अब जो टाइगर कब था उसको भी दहाड़ना अच्छा लगता था, रोअर करना अच्छा लगता था, ए लव टाइगर कब रोअर टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, अब जो टाइगर कब था उसको भी दहाड़ना अच्छा लगता था और वह बहुत जोर से क्या दहाड़ता था, पर जो जंगल के और जानवर थे वो उसकी जो दहाड़ थी वो क्या है कि अभी छोटा था वो, इसलिए उसकी आवाज़ इतनी तेज नहीं निकलती थी, पर वो वह दहाड़ के ये बताना चाहता था टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर, कि मैं भी यहाँ पर जंगल में रहता हूँ, वो दहाड़ कर ये एनिमल्स को बताना चाहता था। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वे आर नॉट अफ्रेड एट द एंड, नन ऑफ देम रन अवे, परंतु जो जंगल के सभी जानवर थे वो उससे बिल्कुल नहीं डरते थे और उनमें से कोई भी इसकी दहाड़ सुनकर नहीं भागता था, क्योंकि छोटे बेबी की दहाड़ इतनी तेज नहीं निकलती और छोटे बेबी से वैसे भी कोई नहीं डरता। बट देयर केम ए ईयर व्हेन द स्मॉल टाइगर कब वाज अ फुल ग्रोन टाइगर, लेकिन एक साल ऐसा आया जब छोटा कब था ना, जो छोटा साबक था ना, वह पूर्ण बाघ बन गया, मतलब बड़ा टाइगर बन गया, ग्रो हो गया, उसमें तो वो धीरे धीरे बच्चे बड़े कैसे होते, उसी तरह वो टाइगर भी बड़ा हो गया। ही वॉक्ड फोर मील्स अनोर, भाई कई मील, मतलब वो बहुत
दूर तक कई मीलों तक अकेला चला जाता था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, और वह अब शिकार भी करता था रात में। व्हेन ही रोएड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट वी वॉच देयर, ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। व्हेन ही रोएड, जब वह दहाड़ता था तो जंगल के जो अन्य जानवर थे वो बताता था कि वो भी वहाँ पर है। तो जो जो जानवर रहते थे ना जंगल के, वो बहुत दूर और दूर चले जाते थे उसकी दहाड़ सुनकर। केप्ट फॉर अवे एंड द ग्रेट बिग टाइगर दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर कम हेयरिंग हिज ओन लाउड रोअर स्माइल्ड टू हिमसेल्फ ए ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। और जब वो सब जानवर उसकी दहाड़ सुन के दूर चले जाते थे और वह बाघ था वो बहुत खुश होता था कि चलो अब तो सब मतलब मेरी दहाड़ सुनने लगे। एंड द ग्रेट बिग टाइगर, जो बहुत जो बड़ा टाइगर था, दैट हैड बीन अ स्मॉल टाइगर, कब एक छोटे सावक से बड़ा हो गया। हेयरिंग हिज सो ऑन लॉट रोअर, और वह जोर से दहाड़ने लगा यह सोचकर वह स्माइल टू हिमसेल्फ अ ग्रेट बिग टाइगर स्माइल। तो वह धीरे धीरे मुस्कराया, मतलब मन ही मन मुस्कराया कि कैसे मैं जब छोटा था तो कोई भी मेरी आवाज़ सुन के जाता नहीं था, और अब मैं बड़ा हो गया मतलब ग्रेट बिग टाइगर बन गया, तब मेरी दहाड़ सुनकर सब यहाँ से चले जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, ये हमारी कहानी थी, इसके न्यू वर्ड्स है शेडी मीन्स छायादार, ब्लूट मतलब चिल्लाना, ट्विस्ट मतलब होता है, ट्विस्ट मतलब होता है कि जो ऐठना, जैसे उसकी पूछ ऐठी थी ना, ऐठना बोलता है। और पांचवी झपटा मारना, ग्रंट मीन्स होता है गुर्राना, गेम मीन्स खेलना, गिस्टेंट मतलब चमकीला रोए, दहाड़ना फेजन मतलब होता है, तीतर फॉल मीन्स होता है जो पक्षी जो चलते हैं ना, जो पक्षी बोलते हैं जैसे फॉल को। ठीक है, ये हमारे न्यू वर्ड्स हो गए। रीडिंग इज फन, टिक द राइट आंसर, हमको राइट आंसर पर टिक करना है। वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब लाइव, मतलब मदर टाइगर और जो उसका बेबी टाइगर था टाइगर कब, वो कहाँ रहते थे, तो नियर अ रिवर, नियर अ माउंटेन, नियर अ फॉरेस्ट, नियर अ सी, ना तो वो मतलब पास के जंगल में भी नहीं और समुद्र के पास भी नहीं, माउंटेन के पास भी नहीं, तो वो नदी के पास एक छायादार जंगल में रहते थे। तो इसका आंसर आएगा ए। व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट व्हेन द स्काई वाज डार्क, जब मदर टाइगर स्काई डार्क हो जाता था, अंधेरा हो जाता था, वो किसका शिकार करती थी, वो किसका शिकार करती, सी एंड गोट्स, डियर एंड पिग्स, डोंकी एंड हॉर्सेस, फिश एंड फ्रॉग, तो वो किसका शिकार करती, डियर एंड पिग्स का। व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट, एक दिन जो टाइगर कब था उसने किसको पकड़ा था, ए डियर, ए फ्रॉग, ए पिग, ए कैट, उसने किसको पकड़ा था, ए फ्रॉग को। व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेस्ड द फ्रॉग, मतलब जो लिटिल टाइगर कब था उसने फ्रॉग का पीछा किया था तो क्या हुआ था, तो उसका आंसर हम ये लिखेंगे, व्हाइल द कब चेसिंग द फ्रॉग ही कम फोर अवे फ्रॉम हिज मदर एंड वाज फ्राइटेंड टू फेस मदर, सॉरी टू फेस अनदर टाइगर, जब वो एक दिन उसका पीछा किया था उसने फ्रॉग ने, तो वो बहुत दूर निकल गया था और वहाँ पर उसकी मामा नहीं थी, एक दूसरा टाइगर वहाँ पर आ गया था, तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे। अमेज द एनिमल्स विद देयर यंग वंस, मतलब हमको जो एनिमल्स है उससे जैसे हॉर्स है तो हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, तो हमको ये मैच करना है। तो देखिए जो हॉर्स है तो हॉर्स के बेबी को हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये हॉर्स का बेबी बना है तो इसको हम बोलते हैं कॉल्ट। ठीक है, डॉग, डॉग के बेबी को तो आपको पता ही होगा पपी बोलते हैं। ठीक है, कैट, कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं, किटन। ठीक है, काऊ, काऊ के बेबी को हम क्या बोलते हैं, काल्फ। ये बने हैं ना इसमें बेबी भी सब। पिग, पिग के बेबी को हम क्या बोलते हैं, पिगलेट। टाइगर, टाइगर के बेबी को तभी हमने स्टोरी पढ़ी है कब। सीप के बेबी को हम क्या बोलते हैं, लम। एंड गॉड को बेबी को हम क्या बोलते हैं, किड। और डक के बेबी को हम बोलते हैं डकलिंग। इस तरह ये मैच द कॉलम हमारा हो गया। ठीक है।
इसी तरह ये डंबल्स भर दिए हैं, इनको हमको अरेंज करके लिखना है। कैन यू प्लीज दैट लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर टू फ्रॉम द नेम्स ऑफ एनिमल, जैसे ए टी सी, इसको जम्बल डबल बोलते हैं, इनको जमा के लिखना है। तो ये क्या है, कैट। ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा माउस, माउस एम ओ यू एस ई माउस। ये है हमारा हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स। ये है हमारा लॉयन एल आई ओ एन लॉयन, ठीक है। ये है हमारा सीप एस एच डबल ई पी सीप। ये हमारा डियर डी डबल ई आर डियर, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा बुल। ये हमारा टाइगर टी आई जी ई आर टाइगर। ये क्या है हमारा, वॉल्फ डब्ल्यू ओ एल एफ वॉल्फ। इस तरह ये है हमारे। अब ये द एनिमल्स बर्ड्स इन कॉलम ए हैव टू रीच देयर होम्स इन कॉलम बी फाइंड आउट वेयर दे लिव। मतलब कौन कौन से एनिमल्स किस में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं। ए बी, ए बी मतलब होता है मधुमक्खी। तो मधुमक्खी कहाँ रहती है, मधुमक्खी के छत्ते को, छत्ते में। तो हिंदी में क्या बोलते हैं छत्ते, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाइव। इसको हम इससे मैच करेंगे, ठीक है। एर एंट, एंट कहाँ रहती है, एंट हिल में, ठीक है। ए डक, डक कहाँ रहती है, ये तो पौंड में रहती है ना डक। तो ये पौंड बनाई, देखिए पौंड, पौंड कहाँ लिखा है यहाँ पे, ए पौंड में रहती है डक, ठीक है। ए टाइगर, टाइगर कहाँ में किस में रहता, टाइगर रहता डैन में। टाइगर की गुफा को क्या बोलते हैं, डैन। तो ये सामने ही है, ठीक है। ए रैबिट, रैबिट किस में रहता है, रैबिट रहता है इसमें, इससे बोलते हैं वरो, ठीक है। ए स्पाइडर, स्पाइडर तो कहाँ रहता है, मकड़ी के जाल में। तो मकड़ी के जाल को क्या बोलते हैं हम, बेब। ए स्पैरो, स्पैरो मीन्स होती चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, नेक्स्ट में। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इस तरह हमारा मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। लेट्स राइट नाउ, राइट सिक्स सेंटेंस फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन एन एक्सरसाइज ऑफ वर्ड बिल्डिंग। वन हैज बीन फ्लो द टाइगर्स लिप्स एंड डैन। मतलब ये तो आपको ही करना है, मतलब सिक्स सेंटेंस लिखता है, टाइगर लिप्स डैन, टाइगर डैन में रहता है, उस तरह ये आपको ही करना है, ठीक है। मेक ग्रुप्स, ग्रुप बनाइए। वन पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप शुड एक्ट लाइक द मदर टाइगर, द लार्ज मेल टाइगर, द समर कॉकर डियर, द कब, द फ्रॉग, द लंगूर मंकी। नाउ एक्ट एन स्टोरी फास्ट ऑन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखना है, से अलाउड, इसको जोर से पढ़ना है, क्यूट क्यूट क्यून क्यूरल ब्लो फ्लो सेलो सेलो, ठीक है। बिगेस्ट स्मॉल, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, और रिचर रिचेस्ट, पाउंस बाउंस, विलो बिगर रिच, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। से अलाउड जोर जोर से। अब एक इंटरेस्टिंग गेम हो रहे हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द कल्स देन कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, द फर्स्ट क्लू इन द डन फॉर यू। इसे पजल गेम है, इसमें हमको बनना है। देखिए ये आई की बुल, मैं बुल देती हूँ, उन देती हूँ, कौन देती है बुल, सीप एस एच डबल ई पी सीप, ठीक है। आई ले एग्स, तो अंडे कौन देती है, मैं अंडे देती हूँ, तो अंडे कौन देती है, दूसरे नंबर पे क्या, हैन एच ई एन हैन, ठीक है। थर्ड नंबर पे आई गिव यू मिल्क, मैं आपको मिल्क देती हूँ, कौन देती है, थर्ड नंबर काउ सी ओ डब्ल्यू काउ, ठीक है। आई कैरी लोड्स, मैं लोड्स उठाता हूँ, कैरी करता हूँ। फोर नंबर कहाँ है हमारा, फोर नंबर है ये, तो कैरी कौन करता है, डोंकी डी ओ एन के ई बाय, ठीक है, डोंकी। आई नी, तो जो नी कौन करता है, हॉर्स करता है, कौन करता है, एच ओ आर एस ई हॉर्स, ठीक है। आई एम मैन बेस्ट फ्रेंड, मैं जो आदमी का बेस्ट फ्रेंड हूँ, सिक्स नंबर पे है ये, तो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है आदमी का, बताइए। डॉग, ठीक है। आई लिव इन अ स्टे, मैं कहाँ रहता हूँ, सेवन, ठीक है। आई लिव इन स्टे, इसका आएगा पिक पी आई जी पिक, ठीक है। फिर
आई ब्लेट, जो ब्लेट आवाज निकालता है वो निकालती गॉड, जी ओ ए टी गॉड, ठीक है। आई एम द शिप ऑफ द डिस, मतलब इसका होता है, इसका आएगा स्कैमर, सी ए एम ई एल, जो शिप को डिजर्ट करती है सामान ले जाने में, तो उसको क्या आएगा कैमल, ठीक है। इस तरह हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू सो वॉचिंग चिल्ड्रन।